क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस। दरअसल एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी यूट्रस की परेशानी है। बच्चेदानी की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब बच्चेदानी की लाइनिंग बनाने वाले टिश्यू की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, तब ये टिश्यूज बच्चेदानी के बाहर तक फैलने लगते हैं। कई बार तो एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग ओवरी, पेल्विस, बाउल समेत दीगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक फैल जाती है। ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी पैदा होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके कई सिम्टम्स हैं जिनके जरिए हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इसमें पेल्विक हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के पहले और इस दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पीरियड्स के दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, माहवारी के एक या दो हफ्ते के आसपास ऐठन होना, पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना, इनफर्टिलिटी, जिंसी ताल्लुकात बनाने के दौरान दर्द होना वगैरह इसमें शामिल है। क्या है इलाज? एंडोमेट्रियोसिस का वैसे तो कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो इस बीमारी के शुरुआती वक्त से ही कुछ दवाओं की मदद से इस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जबकि कई बार तीसरी और चौथी स्टेज में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें लेप्रोस्कोप के जरिए से ही सर्जरी की जाती है। सर्जरी के जरिए से ही इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है और इससे कंसीव करने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस से मुबतला लोगों को रेगुलर वर्जिश और सिकाई करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनसे भी इस परेशानी में काफी राहत मिलती है। रिसर्च के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस हर 10 में से एक खातून को होती है, जिसमें सबसे ज्यादा 18 से 35 साल की उम्र की खवातीन शामिल होती।